Hello everyone, welcome in your favorite subject of industrial hydraulics and pneumatic, subject code SI22655 of 6th semester, unit 3, control valves. Topic 1 of this unit 3, classification of valves and working of pressure control valve. Lecture number 10, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content of this lecture as classification of control valves, construction and working of pressure control valve. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify control valves. Describe construction and working of pressure control valve as a pressure relief valve. Program outcomes will be mapped by this table as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last lecture. So last lecture mein humne discuss kiya classification of hydraulic and pneumatic actuator as a linear and rotary type and construction and working of linear and rotary actuator. कंट्रोल वॉल्स. तो कंट्रोल वॉल को देखकर आपको क्या याद आता है, सोचिए इसके बारे में कुछ. कंट्रोल, अच्छा तो आपने आईसी इंजन पढ़ा है, बराबर है. आईसी इंजन में वेरियस वॉल्स देखे, इनलेट वॉल, ओपन वॉल्स, सेफ्टी वॉल, लाइक दैट इन पावर इंजीनियरिंग ऑफ फिफ्थ सेमिस्टर. तो ये क्या है, आपके आईसी इंजन के कंपोनेंट और पावर स्ट्रोक को कंट्रोल करने का, इनलेट फ्लूइड को एंटर करने का जो डिफरेंट ओपनिंग्स होती है, इनलेट एंड आउटलेट, दैट्स कॉल्ड एज ए वॉल्व. तो कंट्रोल क्या होता है, तो हमारी बॉडी है, बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन ये कंट्रोल डिवाइस है किसका, हमारे बॉडी के मूवमेंट का. जैसे कि इस एनिमेशन में दिख रहा है कि ब्रेन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है जो हमें दिमाग में बत्ती जलाने के लिए हाथ का मूवमेंट बता रहा है, इट्स कॉल्ड एज ए कंट्रोल. तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम को कौन करता है, ब्रेन, जो हमारे लेग्स को, हमारे हैंड को, नोज को और हमारे बॉडी के एवरी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज ए कंट्रोल. और ये कंट्रोल हम किसको देंगे, वॉल्स को देंगे जो यूज होगा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम में. तो ये वॉल्स लीनियर मोशन से भी वर्क करेंगे या फिर रोटरी मोशन से भी वर्क करेंगे, लाइक दिस. लीनियर मोशन से वर्क करने वाली वॉल कौन सी है, गेट वॉल, और रोटरी मोशन से वर्क करने वाली वॉल कौन सी है, बटरफ्लाई वॉल. ठीक है, तो ये वॉल्स का नाम तो आपने गेट वॉल तो सुना है, बटरफ्लाई वॉल शायद आपने नहीं सुना होगा. ठीक है, तो ये वॉल्स क्या होती है, तो वॉल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके वजह से सब कुछ होता है. क्योंकि वॉल्स नहीं रहेगा, यानी कंट्रोल वॉल्स नहीं रहेगा. आपने जब हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का जनरल लेआउट देखा था उसमें कंसिडर करो कि आपने वॉल्स नहीं बनाई, तो फ्लूड तो इनलेट टू एक्चुएटर जा रहा है, एक्चुएटर से वापस आ रहा है, पर मोशन कहीं पर भी ट्रैकिंग नहीं हो रही और मोशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते. तो ये वॉल्स लीनियरली भी मोशन ट्रांसफर करके कंट्रोल कर सकती है या रोटरी मोशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कंट्रोल वॉल्स क्या बोलते हैं. तो कंट्रोल वॉल्स तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, बताते हैं. ए कंट्रोल वॉल इज ए पावर ऑपरेटेड डिवाइस. क्या है, कंट्रोल वॉल इज ए पावर ऑपरेटेड, मीन्स किसी ना किसी मोशन के थ्रू ही पावर का क्या करेगा, ये ऑपरेट होगा, पावर से ऑपरेट होगा. Used to regulate or manipulate the flow of fluid. तो ये क्या करेगा, फ्लूड के फ्लो को रेगुलेट करेगा या मैनिपुलेट करने का काम करेगा, such as a gas, oil, water and steam. तो क्या करेगा, water, steam, oil, gas, इस टाइप का कोई भी फ्लूड है जिसको रेगुलेट और मैनिपुलेट करने का काम, उसके फ्लो को रेगुलेट एंड मैनिपुलेट करने का काम ये कंट्रोल वॉल करेगा. इट इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ ए कंट्रोल लूप एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. द कंट्रोल वॉल इज बाय द फॉर द मोस्ट कॉमन फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यूज इन इंडस्ट्री टूडे.
तो इंडस्ट्री में कंट्रोल वॉल्व ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, फ्लूइड के फ्लो को रेगुलेट और मैनिपुलेट करता है, जिसके वजह से पावर आउटपुट रिक्वायर होता है जितना ही जनरेट होता है और कोई भी टाइप की एनर्जी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, समझ में आया कंट्रोल वॉल्व क्या है? तो कोई भी कंपोनेंट डिवाइस सिस्टम हो उसको रेगुलेट और मैनिपुलेशन करने का काम जो ऑपरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल वॉल्व करेगा। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्व, दैट्स ए कंट्रोल वॉल्व का क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली कंट्रोल वॉल्व जो है वो तीन टाइप के, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DCV बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल वॉल्व जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FCV बोलते हैं, और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जिसको हम PCV बोलते हैं। PCV कैपिटल रहेंगे सभी अल्फाबेट्स जो शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे। तो आइए देखते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। तो क्या लगता है आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व कैसा होगा? तो इसका लाइक शेप भी होता है और इसमें वेरियस टाइप्स भी होते हैं जो हम लेटरली देखेंगे। तो ऐसा वाला हमने देखा था डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व जो हमारे जनरल लेआउट में था। तो ये कितने बाय कितने का डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व है? 4x3 का। ये किस तरह से होता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड टू डिफरेंट लाइंस इन द सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट हो या न्यूमेटिक सर्किट हो, जिसके फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम जो करेगा उसे हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। आइए देखते हैं कि ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे टू वे टू पोजिशन वॉल्व दिए और वो एनिमेटेड दिख रहा है। जैसे कि यहाँ से हमने इसको पुश किया, क्या हुआ, हैंड से इसको पुश किया, तो क्या हुआ, ये पोजीशन पोर्ट जो है वो बंद हो गया और पोर्ट ए सिर्फ चालू है, मीन्स हमारा आउटपुट अभी क्लोज हो गया। जैसे ही ये प्रेशर रिलीज करेगा, ठीक है, हैंड रिमूव होगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये क्या हो गया, पोर्ट बी आपका ओपन हो गया और फ्लूइड का कनेक्शन पोर्ट ए से कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड ऊपर के पोर्ट तक। तो अभी हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करेगा, पावर ट्रांसमिट करेगा। दैट इज ए कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन, फ्लूइड अलोड अलो और रिजेक्टेड टू द सिस्टम। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल वॉल्व। आइए देखते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व क्या बोलता है, जिसका कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा। और ये फ्लो कंट्रोल वॉल्व एक्चुअल में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में FMM में 4 में पढ़ा, ठीक है। तो ये ऑरिफिस रहता है, तो इसका डाइवर्जन शेप होता है, फर्स्ट वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज होता है। इसका भी रीजन है, ये आपको खुद ही फाइंड करना है, क्योंकि इट इज ए रिविजन एंड अप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट। तो देखते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व क्या है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द सर्किट। क्या करेगा ये, कितने अमाउंट का फ्लूइड फ्लो रिक्वायर्ड है उतना ही सेंड करेगा। दैट इज ए कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वॉल्व्स इन हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व में क्या होगा, ये ऐसा शेप रहेगा जिसके ओपनिंग से क्या होगा, ये फ्लो एरिया एडजस्ट, इसको अगर हमने ऊपर किया तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ये एरिया बढ़ेगा तो फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर इसको नीचे किया तो फ्लो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्लो यहाँ से कितना अलाउ होगा, कम होगा। और जब हमें फ्लो कंट्रोल नहीं करना है तो इसको हम पूरा नॉब बंद कर देंगे, तो यहाँ पे कोई ओपनिंग्स नहीं रहेगी और यहाँ पे कोई फ्लो नहीं रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इस लाइन को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जाएगा कन्वर्जन एंड डाइवर्शन पोर्शन से, तो फ्लूइड का प्रेशर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर एरिया ये हम वेरी कर सकते हैं क्या, नहीं, बाय दिस यूजिंग नॉब, इस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, फ्लो एरिया को हम एडजस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस वेरिएबल सिंबल। दिस इंक्लाइन लाइन इंडिकेट्स वेरिएशन,
तो इस एरिया को हमने कम ज्यादा किया मींस वेरिएशन किया, दैट इज ए फ्लो कंट्रोल लॉ. इसके भी कुछ टाइप्स है वो हम लेटरली डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं इसका वर्किंग ऑपरेशन. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व इस तरह से ऑपरेट करेगा. जैसे ही फ्लो आएगा ये नॉब ओपन रहेगा तो फ्लो अलाउ होगा, और नॉब बंद रहेगा तो फ्लो स्टॉप. नेक्स्ट है प्रेशर कंट्रोल वाल्व. तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल करेगा फ्लो कंट्रोल वाल्व. फ्लूड का फ्लो कंट्रोल करेगा तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व फ्लूड का प्रेशर कंट्रोल करेगा. कंट्रोल द प्रेशर इन डिफरेंट सेगमेंट्स इन द सर्किट. इसका डायग्राम इसी तरीके से रहेगा जो फ्लो को एडजस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग. तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल का क्या है, सिंबल है. इस सिंबल को हम लेटरली डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल का वर्किंग एनिमेशन. तो जैसे ही इस एनिमेशन में दिख रहा है कि ये प्रेशर को एडजस्ट कर रहा है, जितना प्रेशर है उतना फ्लो अलाउ कर रहा है, कम प्रेशर हो जाता है तो ये वॉल स्टॉप हो जाती है. देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्व्स. अगेन डीसीवी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व अगेन क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू पोर्ट्स एंड पोजीशन, अकॉर्डिंग टू एक्चुएशन मेथड्स एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व तो हमने देखा कि डायरेक्शन कंट्रोल करने का काम करता है, पर पोर्ट्स एंड पोजीशन या फिर एक्चुएशन मेथड एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये अगेन क्लासिफाई होता है. वैसे ही एफसीवी इज द फ्लो कंट्रोल वॉल्व अगेन क्लासिफाइड एज कॉम्पेंसेटेड एंड नॉन कॉम्पेंसेटेड, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड, टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड, प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड, फिक्स एंड वेरिएबल. अगेन पीसीवी इज ए प्रेशर कंट्रोल वॉल्व अगेन क्लासिफाइड एज प्रेशर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग सीक्वेंस, काउंटर बैलेंसिंग एंड अनलोडिंग वॉल्व. दैट्स डिफरेंट वॉल्व्स आर स्टडीड इन दिस यूनिट नंबर 3, दैट्स ए कंट्रोल वॉल्व. तो हमें इन सभी टाइप्स के वॉल्व को डिटेल में कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिंबल के साथ पढ़ना. अगर आपको ये वॉल्व का यूनिट समझ में आया तो ही आप प्रॉपर वे से हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सर्किट डिजाइन कर सकते. तो वॉल्व इज ए ब्रेन ऑफ दिस हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम. तो देखते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व. तो प्रेशर क्या कंट्रोल वॉल्व क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रेशर उस प्रेशर को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो ये एनिमेशन तो हमने पहले ही देखा था कि प्रेशर कंट्रोल वॉल्व जितना प्रेशर अगर कम है तो ये बंद रहता है, प्रेशर अगर बढ़ गया है सिस्टम का तो इसको ऑन करते हैं. तो इस टाइप के ऑपरेशन को बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व. ठीक है, तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व आर फाउंड इन वर्चुअली एवरी हाइड्रोलिक सिस्टम एंड दे असिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस फ्रॉम कीपिंग द सिस्टम प्रेशर सेफली बिलो ए डिजायर अपर लिमिट टू मेंटेनिंग ए सेट प्रेशर इन पार्ट ऑफ ए सर्किट. टाइप्स इंक्लूडिंग रिलीफ, रिड्यूसिंग सीक्वेंस, काउंटर बैलेंस एंड अनलोडिंग. तो क्या करता है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, सिस्टम के प्रेशर को कंट्रोल करेगा. कंट्रोल करेगा मतलब क्या करेगा कि हमें सिस्टम का जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उस सिस्टम तक चलने देगा. अगर सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो उसको रिलीज करने का काम ये प्रेशर कंट्रोल वॉल्व बाय विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रिलीफ वॉल्व करेगा. और इसको हम एज ए सेफ्टी यूज करते. उसके साथ प्रेशर रिड्यूसिंग है, अगर आपको प्रेशर ज़्यादा हो गया है और कम करना है तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व यूज करते. दो ऑपरेशन को प्रेशर के थ्रू सीक्वेंस करने का काम भी सीक्वेंस वॉल करेगा. वैसे ही काउंटर बैलेंस और अनलोडिंग वॉल भी होता है. तो ये सभी टाइप्स के वॉल का कंस्ट्रक्शन सिमिलर ही रहता है, बस सिंबल के यानी इस वॉल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम डिफरेंट. तो सिंबल्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल देखते हैं, ये ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में पढ़ा है. तो प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का सिंबल्स है फर्स्ट प्रेशर रिलीविंग वॉल्व,
तो इस नॉर्मल पोजीशन में क्या है, प्रेशर की ये जो लाइन है, ठीक है, देखते हैं अभी, ये पोर्ट वन है, यानी आपके सिस्टम के इनलेट से ये कनेक्टेड है, और ये सेकेंड साइड से, ये स्प्रिंग मीन्स क्या है कि रिटर्न लाइन से, ठीक है। तो ये कब ऑपरेट करेगा, नॉर्मली ये ओपन रहे, मीन्स वन से टू कनेक्शन रहेगा। जब यहाँ से पायलट का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, वॉल को बंद करेगा, वॉल को बंद करेगा, यहाँ से पायलट से प्रेशर जाएगा और इस प्रेशर से क्या करेगा, ये लाइन शिफ्ट होगी, और शिफ्ट होगी तो उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग कंडीशन में स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, और फिर जब प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा फिर से ये नॉर्मली ओपन रहेगा। तो ये होता है आपका प्रेशर रिलीविंग वॉल। देन है नेक्स्ट रिलीविंग टाइप विथ ओवरलोड बीइंग वेंटेड आउट। अगर ओवरलोड है तो वो क्या करेगा, आउटलेट से वेंटेड होगा, इट इज द पोर्ट ऑफ थ्री। तो ये वॉल क्या है, नॉर्मली आपकी क्लोज है, जब टू से प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर के इफेक्ट से ये लाइन शिफ्ट होगी, और ये लाइन शिफ्ट होके वन से टू से कनेक्ट होगी पाइपलाइन, और उस टाइम पे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी और बाद में ये फ्लो चलेगा। तो जब ओवरलोड हो चुका है तो फ्लो को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा बाय दिस थ्री लाइन पोर्ट, और जब नॉर्मल होगा सिचुएशन तो बाद में ये फिर से क्लोज हो जाएगा। दिस वॉल इज ए प्रेशर रिलीविंग वॉल, इज नॉर्मली ओपन पोजिशन, रिलीविंग टाइप विथ ओवरलोड बींग वेंटेड आउट, दैट्स ए नॉर्मली क्लोज। ये आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ना, दैट इज ए अंडरस्टैंडिंग सिंबल। देन प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल आपके सिलेबस में अंडर अनलोडिंग वॉल भी है, काउंटर बैलेंस वॉल भी है, और साथ में प्रेशर रिलीफ वॉल है और सीक्वेंस वॉल है। सभी वॉल्स के सिंबल्स हमें नियरली सेम ही लगते हैं, पर उसमें स्लाइटली ऑपरेशन का डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल मेंटेन्स द रिड्यूस प्रेशर एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो नॉर्मली क्या रहेगा, एक स्क्वायर शेप बनेगा, ठीक है, आपको ये स्क्वायर शेप बनाना है सेंटर में, और इनलेट एंड आउटलेट लाइन, ठीक है, यहाँ से वन पोर्ट रहेगा तो यहाँ से सेकेंड रहेगा, आप कोई भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल में ये क्या पोर्ट है, ये नॉर्मली ओपन रहता, मीन्स फ्लो कंटिन्यूस चलते रहेगा, लाइक दिस प्रेशर रिलीविंग वॉल। तो यहाँ से सिस्टम का प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से तो वॉल ओपन है तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो सेकेंड डायरेक्शन से भी अलाउ होगा, और इस लाइन को शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स अपर साइड, और जैसे ही ये अपर साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये वॉल क्लोज पोजीशन में आएगी, और क्लोज पोजीशन में आने के बाद वॉल क्लोज हो जाएगी, और इसका जो ड्रेन से ये सेकेंड लाइन से टैंक में जाएगा, दैट इज अ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, इट विल बी डिस्कस लेटर। नेक्स्ट है अनलोडिंग वॉल सिंबल। अनलोडिंग वॉल भी हमें सेम ही दिख रही है, कहीं से तो भी सिस्टम का प्रेशर आएगा, इनलेट पोर्ट वन और पोर्ट टू से नहीं आएगा, पोर्ट टू हमारा टैंक तक जा रहा है, पोर्ट वन सिस्टम से आ रहा है, तो कहीं से तो भी एक सिस्टम की ड्रेन लाइन आएगी, जिसके ऑपरेशन से ये लाइन शिफ्ट होगी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, और फ्लो अलाउ होगा टू द टैंक, अलाउ पंप टू बिल्ड प्रेशर टू एन एडजस्टेबल प्रेशर सेटिंग एंड देन अलाउ इट टू बी ए डिस्चार्ज टू टैंक। नेक्स्ट है हमारी काउंटर बैलेंस वॉल, इट इज जस्ट लाइक ए प्रेशर रिलीफ वॉल। इसमें क्या करना है, सेम ही है सारी चीजें, सिर्फ एक चेक वॉल यहाँ पे लगा लो। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वर्टिकल हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड प्रिवेंट्स इट्स डिसेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड वेट। तो ये जो तीन टाइप के वॉल्स है, और इसके अलावा भी और दो तीन टाइप्स के वॉल्स है जो प्रेशर कंट्रोल वॉल्स में आते हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस। आइए देखते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल। तो इसके नाम में ही रिलीफ है, इसका मींस क्या करेगा, ये प्रेशर जब भी एक्सटेंड होगा उसको रिलीफ यानी रिलीज करने का काम हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में करेगा। तो ये एनिमेशन आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे फ्लूड आ रहा है, पंप लाइन प्रेशर आता है, तो ये वॉल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो ये रिटर्न लाइन का फ्लो है टैंक तक जा रहा है। एडजस्टेबल नॉब है, आप प्रेशर सेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, पंप जैसे ही
फ्लूड प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल को ओपन रहता है, नॉर्मली ये ओपन नहीं रहता, नॉर्मली ये इस लाइन तक पूरा क्लोज रहता है। ठीक है, तो ये है आपका मेन पोपेट, मेन स्प्रिंग, पायलट पोपेट, पायलट स्प्रिंग, एडजस्टेबल नॉब, टैंक रिटर्न। ठीक है, तो इस का यूटिलाइज कहा होता है, प्रेशर रिलीफ वॉल तो हमें समझ गया कि ये इस तरह से ऑपरेट करेगा, बट वेयर इट इज यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम, तो यहाँ पे ये आपको सिंबोलिकली जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है जो हमने यूनिट वन में टॉपिक नंबर वन में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो पंप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से टैंक है, टैंक से फ्लो जा रहा है, फ्लो से पंप है, पंप क्या करेगा, हाइड्रोलिक फ्लूड का प्रेशर बढ़ाएगा और वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को देगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से फ्लो जाएगा विथ फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ चेक वॉल्व दिख रहा है, और देन जाएगा ये डबल एक्टिंग सिलेंडर और एक्चुएटर में, यहाँ से फ्लो रिटर्न आएगा बाय दिस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व एंड फिल्टर के थ्रू फिर से टैंक में जाए। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट इसमें क्या है कि अभी हमें क्या करना है, सिस्टम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पे एक्चुएटर वर्क ही नहीं कर रहा है, या डायरेक्शन वॉल क्या है, क्लोज, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल क्लोज पोजीशन में, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमने गलती से पंपों स्टार्ट कर दिया और घर चले गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज बढ़ते 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 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल तो क्लोज पोजिशन में, क्योंकि हमने लीवर को बंद करके रखा, तो ये ऑपरेशन तो कैरी आउट नहीं होगा, पर क्या होगा, सिस्टम का प्रेशर बढ़ने से पाइप्स ब्लास्ट होंगे और सारा सिस्टम ब्लास्ट होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेशर रिलीफ वॉल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाई गई है एज ए सेफ्टी बोलते हैं इसको, तो क्या हुआ, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल क्लोज है, तो क्या हुआ, पंप का प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको फ्लो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्लो को, तो ये रिटर्न लाइन से यहाँ पे आएगा टू द टैंक, यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा बाय दिस डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गए, इस एरो को शिफ्ट करेगा और ये लाइन इनलेट से इस लाइन तक जुड़ जाएगा और ऑपरेटिंग स्टार्ट होगा, तो ये वॉल ओपन होगी जिस तरह से यहाँ पे हो रही है, प्रेशर आया तो इस वॉल को हमने क्या किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट करने से यहाँ से फ्लो अलाउ होगा, तो ये क्या होगा, प्रेशर आएगा तो यहाँ से फ्लो इस एरो को शिफ्ट करेगा कहाँ तक, इस लाइन तक, और ये पाइपलाइन यहाँ पे ज्वाइंट होगी और यहाँ से फ्लो टैंक में जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक हमारा डीसीवी ऑपरेट होना स्टार्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रेशर रिलीफ वॉल्व इन हाइड्रोलिक सर्किट, और इट इज वर्क एज ए सेफ्टी। ध्यान से आपने देखा है कि इसका एनिमेशन किस तरह से ये वर्क कर रहा है, देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या हुआ। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व, जैसे कि हमें पता है कि ये एज ए सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है, तो सेफ्टी रिलीफ वॉल है आर डिजाइन टू ओपन एट ए प्रीसेट प्रेशर। क्या किया हमने यहाँ पे, प्रीसेट प्रेशर पे इसका ऑपरेशन ओपन किया एंड डिचार्ज फ्लूड अंटिल प्रेशर ड्रॉप्स टू एक्सेप्टेबल लेवल। और कब तक डिचार्ज करेगा ये टैंक को फ्लूड, जब तक एक्सेप्टेबल लेवल का प्रेशर यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो ये एज ए प्रेशर रिलीफ वॉल इज ए सेफ्टी डिवाइस are designed to open at a preset pressure and discharge fluid until pressure drops to acceptable level. That is a function of pressure relief valve. आइए देखते हैं actual diagram. तो exam में हमें क्या करना है? ये animation diagram हम show कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये for understanding है. तो exam में draw करने के लिए simple diagrams है जो यहाँ पे आपको दिख रही है. ठीक है, और ये pressure relief valve का symbol है जो हमने पहले discuss कर चुके थे. तो प्रेशर रिलीफ वॉल में ये वॉल बॉडी है, आउटर साइड में पंप से फ्लूड आएगा तो ये क्या करेगा, पोपेट को ऊपर शिफ्ट करेगा, और पोपेट के अंदर क्या है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, कॉम्प्रेस्ड होगी। आइए देखते हैं यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज ए क्लासिफाइड कंट्रोल वॉल्व, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। Summary of today's lecture as classification of control valve, construction and working of pressure control valves, that is a pressure relief valve. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6 and PO7 and PO3 map. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 10. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question as a describe construction and working of pressure relief valve with neat sketch.
Classify control valves and draw its symbols. Define role of pressure control valve and state its types with symbols of each. For solving these questions, watch this video again and again. If there are difficulty, then contact to sub. Topics for next session. Next session में हम पढ़ने वाले हैं pressure reducing and unloading valve. How it will be work. Thank you. Happy learning. Stay online.